कांग्रेस में अब संगठन में बैठे नेताओं पर एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू नहीं होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ संगठन के बाकी पदाधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियां मिलने पर फैसला हो चुका है। शुक्रवार को ही 10 कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का जिला उपाध्यक्ष बनाया है। अभी कांग्रेस के 13 ही जिलाध्यक्ष हैं, 25 से ज़्यादा जिलाध्यक्षों के पद नियुक्तियां होना बाकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि यह पद तो प्रशासन के साथ सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष का समन्वय करने का एक माध्यम है। अब तो यह गाइडलाइन बन गई है, सभी जिलों के कांग्रेस जिलाध्यक्ष ही 20 सूत्री कार्यक्रम की जिला समिति के उपाध्यक्ष भी बनेंगे। हालांकि 2-3 जिले जहां 2 या 3 जिलाध्यक्ष बन गए हैं, वहां सभी जिलाध्यक्ष 20 का उपाध्यक्ष नहीं बन सकेंगे, उनके लिए अलग रास्ता निकाल कर उन्हें भी एडजस्ट किया जाएगा। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद फार्मूले को खारिज करने के सवाल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, यह पद नहीं है। जो पार्टी का जिलाध्यक्ष होगा वह प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर सके, इसलिए बीसू का जिला समिति में उपाध्यक्ष बनाया है। प्रशासन के साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, कई सालों पहले हो जाना चाहिए था। जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उसके जिलाध्यक्ष कलेक्टर की मीटिंग में नहीं जा सकता तो फिर वह किस तरीके से जनता की बात को प्रशासन के सामने रखेगा। यह एक तरीके की कमी चल रही थी। डोटासरा ने कहा, प्रभारी मंत्री मीटिंग नहीं ले पाता है तो प्रभारी मंत्री की जगह जिलाध्यक्ष बीसू का उपाध्यक्ष के तौर पर अब यह मीटिंग ले सकता है। कांग्रेस में अभी केवल 13 जिलाध्यक्ष ही बने हैं, बाकी बचे हुए जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ताज़ा घोषणा के बाद अब जिलाध्यक्ष के लिए लॉबिंग तेज होगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीसू का जिला समिति उपाध्यक्ष बनाने के फैसले से अब कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के लिए नेताओं की लंबी कतार लगनी तय है। ये पद नहीं है, जो पार्टी का जिलाध्यक्ष होगा वो प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करे, जनता की जो मुद्दे हैं उनको प्रशासन के साथ में चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करे। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था और कई सालों पहले हो जाना चाहिए था कि जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उसमें उसके जिला अध्यक्ष को जो वहां पर कार्यकर्ताओं जिनकी वजह से सरकार बनती है उनकी भावनाओं को प्रेजेंट करने के लिए अगर वो जिला कलेक्टर की मीटिंग में नहीं जा सकता, पूरी की है हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। और जब भी अब 20 सूत्री की बैठक होगी जिसका प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष होगा, उसमें वो उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल रहेगा, और अगर प्रभारी मंत्री नहीं लेता है तो उपाध्यक्ष भी प्रशासन के साथ में मीटिंग ले सकता है, लेगा, कानून में प्रावधान है। और जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जो 20 सूत्री हमारे कार्यक्रम है उनकी समीक्षा करेगा। तो निश्चित रूप से ये कोई पद नहीं है, लेकिन पार्टी संगठन जिसकी सत्ता है उसके साथ मिलकर के प्रशासनिक अधिकारियों से जनता के मुद्दे हल कराएगी, उनकी समस्याओं को हल कराएगी और जनता की बात उन अधिकारियों तक पहुंचाएगी कि ये काम होना चाहिए था, ये पानी का काम क्यों नहीं हुआ, ये बिजली का क्यों नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भवन बनने थे वो क्यों नहीं हुए, प्रशासन गांव के संघ वगैरह वगैरह में जो काम होने चाहिए थे जो सरकार की गाइडलाइन है वो क्यों नहीं हुए। उनका कोई निजी काम तो है नहीं जाकर के वो माइनिंग अलॉट करा लेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो जनता के मुद्दों को और जनता की आवाज को प्रशासन के साथ में समन्वय के साथ में उठा करके उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है।